सोनभद्र के बालीडी में सलून संचालक के घर का ताला तोड़कर चोरों ने बुधवार की रात 50,000 रुपए नकदी सहित 1,00,000 रुपए मूल्य की संपत्ति को चुरा लिया। गुरुवार सुबह में गृह स्वामी को इस घटना की जानकारी हुई, तब बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर पुलिस को घटना की सूचना दिया गया। भुक्तभोगी रामचंद्र ठाकुर गिरिडीह शहर के पटेल नगर में सलून चलाता है, कहा कि घटना की रात खाना खाकर परिवार सोया हुआ था। भुक्तभोगी के पिता मिट्ठू ठाकुर घर से कहीं बाहर गया था, परिवार के सदस्य एक कमरे में सोए हुए थे, शेष कमरा के दरवाजे में ताला बंद था। इस बीच रात्रि के लगभग 1:30 बजे गहरी नींद होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने कमरा का ताला तोड़ दिया और बक्सा में रखा 50,000 नकदी एवं कासा, पीतल का बर्तन, सोने का एक मंगलसूत्र और कुछ चांदी के जेवरात को भी बदमाशों ने चुरा ले गया। सुबह में भुक्तभोगी की बेटी संगीता कुमारी का नींद खुली तो कमरा का ताला टूटा हुआ था, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। फिर उसने घर परिवार को इस घटना की सूचना दी। हल्ला होने पर गांव के लोग जमा हो गए। घर से चोरी हुए सामानों की खोजबीन किया गया, लेकिन चोरी के सामानों का कहीं कोई पता नहीं चला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।